was built to last. When the webs are weaving, I could change the past. When all I'm achieving, got my foot on the gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm a... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस टाइम मेरे साथ जो है ना अली भाई बैठे हुए हैं। बेसिकली ये हुंजा से बिलोंग रखते हैं और इन्होंने 100% स्कॉलरशिप जो है ना मेरे से अवेल की, और किस तरह इन्होंने अवेल की सारी जो डिटेल्स हैं आज इनसे ही पूछते हैं। मेरी खुद भी बेसिकली कल परसों फ्लाइट है वापस नॉर्थ साइप्रस के लिए, और बहुत से मुझसे लोग कह रहे थे कि बिलाल भाई आपने जिनकी 100% स्कॉलरशिप करवाई है उनके साथ ज़रूर वीडियो बनाएं और जो भी डिटेल है वो आप जो है ना वीडियो में शेयर करें। तो सबसे पहले अली भाई से ही उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और साथ साथ उनसे क्वेश्चनिंग भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। मेरा अली भाई, आपने बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने, साथ साथ अपना खुद भी इंट्रोडक्शन देना है और किस तरह आपने प्रोसीजर किया वो भी आपने सारा जो है ना बताना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हुसैन है और मेरा ताल्लुक हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से है। मैंने नॉर्थ साइप्रस के लिए सेल्फ पहले अप्लाई किया था, मैंने 50% स्कॉलरशिप पे मुझे एडमिशन मिला था नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे बिलाल भाई के और कुछ और भी देखे, तो बिलाल भाई की वीडियो में मैंने देखा कि 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो मैंने डायरेक्टली बिलाल भाई से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और बिलाल भाई ने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया। मैं बिलाल भाई को जानता ही नहीं था, मैंने डायरेक्ट बस यूट्यूब खोला और वहाँ से मैंने वीडियो देखी और वहाँ पर बिलाल भाई का नंबर दिया हुआ था व्हाट्सएप का, तो मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया बिलाल भाई से और आज मेरा वीज़ा भी लग गया तकरीबन, और आज ट्रांजिट वीज़ा भी लग गया है मेरा, कंप्लीट हो गया है तकरीबन, और इंशाल्लाह मिड मार्च के मिड तक मैं साइप्रस के लिए फ़्लाइट चला जाऊंगा साइप्रस की तरफ इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अली भाई आपने जस्ट ये बताना है कि आपका ये जो प्रोसीजर था इसमें मतलब पेमेंट स्केजुअल आपके साथ मतलब मैंने किस तरह किया, और आपने मुझे मतलब अच्छा लगा कि एक इंसान ट्रस्ट करके आपको इतनी ज़्यादा पेमेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है साथ साथ, तो मतलब ये चीज़ें एक अच्छी लगती हैं कि आपको मतलब सोशल मीडिया से आपको इतने अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं और मतलब इतना ट्रस्ट भी करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आपको पेमेंट्स स्केजुअल जो था वो किस तरह मैंने मतलब बताया और आपने किस तरह मतलब ट्रस्ट करके तो आपने पेमेंट्स की। हाँ, बिलाल भाई ने मुझे डायरेक्ट पूरा प्रोसेस बताया था व्हाट्सएप पे कि इतने इतने आपके पैसे लगेंगे, और मैंने वही सेम प्रोसीजर यूज़ करते हुए मैंने हाफ़ पेमेंट शुरू में कर दी और एडमिशन के बाद मैंने हाफ़ पेमेंट बिलाल भाई को कर दी, और इस तरह मेरा एडमिशन भी हो गया और वीज़ा वगैरह भी कंप्लीट हो गया। और आपको 100% स्कॉलरशिप किस यूनिवर्सिटी में मिली है और आप कौन सी डिग्री में जा रहे हैं एंड इसके बारे में थोड़ा सा बताएं? मुझे वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर बीएस के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है, और वो उस फील्ड के लिए मैं जा रहा हूँ अभी पढ़ने के लिए आगे इंशाल्लाह। और मुझे अब आप ये भी बताएं कि अगर आपकी वैसे एनुअली फ़ी 50% के साथ कितनी बन रही थी आपकी एनुअल की फ़ीस नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी की? नियर ईस्ट की मेरी बन रही थी 18,000 समथिंग बन रही थी 50% स्कॉलरशिप के साथ। 50% स्कॉलरशिप के बाद वो 3,000 यूरो समथिंग बनती है वैसे, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अम्बेसी से आपको वीज़ा मिल गया, अम्बेसी से चीज़ें आपको इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ ये भी थोड़ी सी चीज़ें मुझे बताएं। बाकी मैंने जो आपके साथ एक प्रॉब्लम भी वहाँ पे हुई थी ये भी आपने लाजमी मेंशन करनी है, वो ये कि स्कैनिंग वाली ये आपने लाजमी बतानी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है, तो आपकी वीडियो देख के शायद उनको ये भी मतलब आइडिया हो जाए कि ये भी चीज़ जो है ना चेक करके फिर ही हम जाएँ आगे। जी, जैसे कि मैंने कहा कि बिलाल भाई ने पूरा प्रोसीजर मुझे बताया था कि वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैंने तकरीबन पूरे कर लिए थे। सिर्फ वहाँ पे मेरे दो मसले हुए थे, एक तो हो गया था क्या कहते हैं तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, उसका मुझे पता नहीं था। शुरू के दिन मैं गया वो डॉक्यूमेंट्स लेके और सुबह 8 बजे मैंने जमा करवाया, 4 बजे मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपका एफिडेविट नहीं है। तो मैं फिर वापस मुझे वो डॉक्यूमेंट्स के साथ फी जो 6,000 है वो वापस कर दी, और उन्होंने कहा कि एफिडेविट लेके अगले दिन आ जाओ। फिर मैं एफिडेविट लेके अगले दिन चला गया, फिर वही सेम प्रोसीजर, 8 बजे मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन दिए फी के साथ, तो शाम 4 बजे उन्होंने कहा कि आपके जो इंटर का जो मार्कशीट है वो स्कैन नहीं हो रहा।
फिर मैंने स्कैन कौन सी चीज नहीं थी हो रही, वो जो पीछे कोड लगा होता है अटेस्टेशन के टाइम जो मुफा वाले कोड लगाते हैं ना, वो कोड मतलब स्कैन नहीं हो रहा था उस टाइम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप मुफा से मतलब कॉन्टेक्ट कर लें। और एक तो मेरा एक प्रॉब्लम यह था कि मैंने अटेस्ट जो करवाए थे वो कराची से करवाए थे, और इस्लामाबाद में पहले मुफा वालों के पास गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आपके नहीं होते, आप कराची चले जाएं। फिर मैंने कराची वालों को कॉल किया तो उन्होंने भी कहा वहाँ आ जाओ। फिर मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी अर्जेंट है कहा, तो उन्होंने मतलब कि ऑनलाइन ही मेरे प्रोसेस कम्प्लीट कर दिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन हो गए, और नेक्स्ट दिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और वीज़ा मुझे मिल गया। ठीक हो गया। चलें जी, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई का ट्रांजिट वीज़ा भी लग गया और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रैवल करके नॉर्थ साइप्रस में इंशाल्लाह आ जाएंगे। और अली भाई, आपने मुझे जस्ट ये बताना है कि आपको मेरी गाइडेंस में कहीं पे आपको लगा होगा बिलाल भाई ने सही गाइड नहीं किया, या वहाँ पे आके थोड़ा सा इन्हें मजीद गाइड करना चाहिए था, जो चीज़ें आपने ओपनली वीडियो में बतानी है। मैं वीडियो कोई एडिट नहीं कर रहा, कोई चीज़ नहीं बता रहा, जो चीज़ें हैं आपने बतानी है कि ताकि मुझे भी बताओ अगर मेरे में कोई मिस्टेक है तो मैं नेक्स्ट अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ें जो हैं मजीद बताऊं, शेयर करूं। इसलिए अगर कोई है चीज़ कमी पेशी तो आपने मुझे ज़रूर बतानी है। नहीं बिलाल भाई, ऐसी कोई कमी पेशी तो नहीं है, जो आपने बताया वही सेम हो गया, बस सिर्फ एफिडेविट वाला मुझे है उसका शोर नहीं था, आपने मतलब बताया नहीं था उसका उसका थोड़ा इशू हुआ था, बाकी सब कुछ सेम था जैसे बिलाल भाई ने कहा वैसे प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी लग गया और इंशाल्लाह मैं ट्रैवल करूँगा 15 मार्च से पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये मेरे साथ थे अली भाई, और काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब इनका सारा ओवरऑल प्रोसीजर मैंने कंप्लीट कर लिया। इनके साथ साथ 3-4 स्टूडेंट्स और भी हैं जिनका मतलब 100% स्कॉलरशिप पे जो है काम हो गया हुआ है, लेकिन उनके साथ मैं वीडियो नहीं इसलिए बना पाया क्योंकि मैंने खुद भी वापस भी जाना था और मैं लाहौर में था और अली भाई भी लाहौर में ही थे, तो मैंने कहा चलो मिलकर इनके साथ वीडियो बना लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है लाहौर का, और बिलाल भाई को और अली भाई को डेढ़ सही दुआ में याद रखिएगा। अली भाई के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी नॉर्थ साइप्रस की लाइफ भी मज़ीद अच्छी करे। और नेक्स्ट किसी और चीज़ वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।